गौर से देखिए इन तस्वीरों को। दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहे इस नौजवान का नाम है सुरेश माहौर। मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले सुरेश माहौर कोई अनपढ़ जाहिल इंसान नहीं बल्कि एक पढ़े लिखे और काबिल व्यक्ति है, लेकिन राज्य की शिवराज सरकार के उदासीन रवैये और रोजगार जैसे अहम मुद्दे की अनदेखी ने इन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि सुरेश के भीख मांगने का मुख्य मकसद पैसे और अनाज इकट्ठा करना नहीं बल्कि बेरोजगारी के मसले पर सोई हुई भाजपा सरकार को जगाना है। सुरेश माहौर के मुताबिक 2018 में इनका सिलेक्शन शिक्षक पद के लिए हुआ था। इनका नाम डीपीआई और आदिम जाति कल्याण दोनों की मेरिट लिस्ट में है। डीपीआई की मेरिट में वो तीसरे नंबर पर है और आदिम जाति कल्याण की लिस्ट में सातवें नंबर पर है। इसके बावजूद इन्हें आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। थक हार कर इन्होंने सोई हुई सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये तरीका अपनाया है। अब ये दरवाजे दरवाजे भीख मांग कर इसी तरह अपना विरोध जता रहे हैं। आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति मुझे भीख दे और एक वीडियो बना के सरकार की सुनवाई के लिए, जिससे सरकार सुन सके, सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। मैं आपसे आप सभी का बड़ा आभारी रहूंगा। सुरेश माहौर ने 1 अक्टूबर 2021 से अपने गृह नगर भिंड के आलमपुर से पदयात्रा शुरू की है। 15 दिन की पदयात्रा कर वो भोपाल पहुँचेंगे। राजधानी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात करके सुरेश माहौर चयनित शिक्षकों को नौकरी देने की मांग करेंगे। सुरेश के विरोध का ये गांधीवादी तरीका आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग मेरा समर्थन करें और मेरा मोबाइल नंबर है 7748030399। इस मोबाइल नंबर को आप लोग सेव कर लें, लिख लें और आपके जिला का जो भी ग्रुप है उसमें जोड़ दें। हालांकि समय समय पर राज्य के चयनित शिक्षक अपनी नियुक्तियों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत से हासिल की गई नौकरी पर नियुक्ति पाने के लिए कभी रक्षाबंधन पर लड़कियां राखी लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर जमा हुई तो कभी उन्होंने सड़क पर लेटकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार की बेरुखी के आगे चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पाने की ये कोशिश हमेशा नाकाम ही साबित हुई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की नाकामियों का आंकलन करना हो तो महज चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का ये मुद्दा ही अपने आप में काफी है। आलम ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में 30,000 शिक्षक चयनित होने के बाद भी 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इसके बावजूद राज्य की भाजपा सरकार दोनों आंखें बंद कर और कानों में तेल डालकर बेफिक्री से सो रही है। बेफिक्री की इंतहा ये है कि नियुक्ति के इंतजार में अब तक 75 शिक्षकों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मजेदार बात तो ये है कि इस सब के बाद भी मामा जी हर महीने 1 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ब्यूरो, कोली टाइम्स।